डियर स्टूडेंट्स, DOE मिशन मैथमेटिक्स 28 नवंबर बेटा चैप्टर 8। तो बेटा यहाँ हम टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साइन ए प्लस बी इज़ √3/2, तो दैट मीन्स साइन ऑफ एंगल आपको √3/2 दिया गया है। तो आपको पता है √3/2 कितने पे होता है, 60 डिग्री पर। इसका मतलब ए प्लस बी जो यहाँ पर एंगल है वो 60 डिग्री है ना। इफ़ इट इज़ √3/2 देन ए प्लस बी इज 60 डिग्री। एक इक्वेशन हमारी ये मिल गई। नेक्स्ट वो कहता है टेन ए माइनस बी इज 1। अब 10 का एंगल 1 कहाँ पर होता है, 45 पर। तो इसका मतलब इसका भी जो एंगल है ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। ए माइनस बी इज 45 डिग्री। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग टू इक्वेशंस और चैप्टर 3 की हेल्प से आप इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ए प्लस बी 60, ए माइनस बी 45। तो बी और बी कैंसिल हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो ए प्लस ए 2a इक्वल टू 105। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 52.5 एंड बी इज इक्वल टू 7.5 डिग्री। इसी पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन करेंगे। टेन ऑफ ए प्लस बी इज √3। अब आपको पता है √3 टेन में कहाँ होता है, 60 डिग्री पर। इसका मतलब यहाँ पे ए प्लस बी 60 डिग्री है। नेक्स्ट टाइम वो कह रहा है टेन ऑफ ए माइनस बी इज 1/√3। इसका मतलब ये एंगल 30 है। अगेन वी गॉट टू इक्वेशंस और उन्हें जब सिंपली ऐड करेंगे ए में ए 2a और 60 + 30 = 90, क्योंकि बी से बी कैंसिल हो जाएगा। ए इज 45 एंड बी इज दोनों मिला के 60 हैं, तो बी 15 डिग्री। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।